अगर आप यूज़ कर रहे हैं पेटीएम ऐप अपने बिजनेस में पेमेंट रिसीव करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह के लिए अपने दुकान में लगा रखा आपने पेटीएम का क्यूआर कोड या फिर पेटीएम नंबर, तो फिर कस्टमर को खुश करने का एक तरीका है। अगर कस्टमर कुछ रिटर्न करता है या फिर कुछ भी आपको सामान कुछ नहीं लेता है, कुछ कम करवा देता है सामान, तो उसे रिफंड कैसे करें अगर उसने पेमेंट कर रखा है? तो सिंपली बहुत ही अच्छा तरीका है कस्टमर्स को पोट पाट के रखने का, रिफंड देना आना चाहिए आपको अपने पेटीएम ऐप से। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो में वही देखें, क्योंकि रिफंड लेकर के मेरे जैसे कस्टमर तो भाई बहुत दीवाने हो जाते हैं और बार बार उसी दुकान में जाएंगे जो कि बेहतरीन सर्विस, लाइक सामान भी बढ़िया, माल मटेरियल सब कुछ बढ़िया, साथ ही साथ अगर कुछ मिस्टेक हो गया पेमेंट वेमेंट में तो रिफंड भी इजीली दे दें, या फिर सामान वामान अगर कुछ बढ़िया नहीं निकला दे दिए उनको जा करके कि नहीं बढ़िया यार, तो फिर वो तुरंत रिफंड दे दें। ऐसे कस्टमर्स, आई मीन ऐसे दुकानदार के पास मेरे जैसे कस्टमर्स भीड़ लग जाएंगे। तो रिफंड देना सीखना है सिंपली, ये आगे का 1.5 मिनट देख लें, आपका प्रॉब्लम का लाज और कस्टमर के भीड़ लगने लगेंगे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करते हैं पेटीएम से। तो रिफंड देना ज़रूर सीखें। चलिए फटाफट से मोबाइल के स्क्रीन पर सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर अपने फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर सर्विसेज में जाना है, ठीक है। सर्विसेज़ में यहाँ पर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर देख रहे हैं आज के डेट में दो पेमेंट्स है, मान लीजिए ये 11:33 वाला पेमेंट हमें रिफ़ंड करना है 10 रुपये जो पे किया है, उस पर क्लिक कर दें। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर इनिशिएट रिफ़ंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें। यहाँ देख सकते हैं कि 11 टोटल रिफ़ंड के लिए अवेलेबल है, यानी कि आज मैंने सेल किया है 11 रुपये का, जिसमें से ये जो पेमेंट है वो 10 रुपये का है। तो पेमेंट अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है 10 रुपये, साथ ही साथ रिफंडेड ऑलरेडी 0, क्योंकि अभी इसमें से 1 रुपये भी मैंने उसे रिफ़ंड नहीं दिया। टोटल रिफंड अलाउड जो दिख रहा है 10 दिख रहा है। तो यहाँ पर आप टोटल 10 रुपये का रिफ़ंड कर सकते हैं, यानी जितना कस्टमर ने आपको पे किया उतना रिफ़ंड कर सकते हैं। मान लो कस्टमर ने सामान वापस कर दिया, पैसा दे दिया, उसे उस सामान की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको उसे रिफ़ंड देना होगा। मान लीजिए उसने ज़्यादा पे कर दिया, आपने दोबारा जोड़ा तो फिर कम हो रहा है, तो भी उसे रिफ़ंड देना होगा। तो दोनों केस में मान लीजिए फुल अमाउंट आपको रिफ़ंड करना है, तो फिर यहाँ पर 10 देंगे आप, है ना। और मान लीजिए कुछ ही सामान उसने वापस किया, तो उसका अमाउंट जोड़ करके रिफ़ंड देना आपको। तो यहाँ से आप 5 भी दे सकते हैं रिफ़ंड, 6 भी दे सकते हैं, टोटल 10 रुपये तक के बीच में आप जितना भी है अमाउंट वो दे सकते हैं। फुल रिफ़ंड करना है तो 10 देना है, तो हम लोग चलिए फुल रिफ़ंड करते हैं 10। रिफ़ंड रिमार्क्स, रिटर्न कर दिया सामान, ठीक है, उसी वक्त। और नीचे लिखा हुआ है यू आर सेंडिंग मनी बैक टू द कस्टमर, वंस डन यू वुड नॉट गेट सेटलमेंट। जी हाँ, जब मैंने रिफ़ंड नहीं कर दिया सेटलमेंट काहे का मिलेगा, ठीक है। तो रिफ़ंड डज टू कस्टमर, यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये देखो यार 10 रुपये चल गया, तो मैं ही कस्टमर भी था, मैं ही सेलर था, इसीलिए ऊपर दिख रहा है 10 रुपये आ गया माल, है ना। तो इसी तरह से आप रिफ़ंड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल, कस्टमर भी खुश रहेगा, आप भी खुश। रिफ़ंड करने से भरोसा बनता है भाई, एक चीज़ याद रखना, यानी कि रिटर्न करने में हिचकिचाना, है ना।